जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। एक और भगवान राम ने मर्यादा में रहते हुए जीवन जीने का सुंदर आदर्श प्रस्तुत किया, तो दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण ने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जीवन में आने वाले संघर्षों से निपटने की शक्ति दी। भगवान श्री कृष्ण का जीवन बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक काफी संघर्षों भरा रहा। उन्होंने गीता के रूप में ऐसा अमूल्य ज्ञान दिया है जिसे पढ़कर हम अपने जीवन की सभी समस्याओं को हल कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को पूरी दुनिया में अलग अलग नामों से पूजा जाता है। दक्षिण भारत में लोग उन्हें विट्ठल, जगन्नाथ आदि नामों से जानते हैं, वहीं उत्तर भारत में श्री कृष्ण, गोपाल, गोविंद आदि नामों से उन्हें पूजते हैं। कुछ लोगों ने उनके नाम से एक अलग धर्म ही बना लिया है जिसे प्रणामी धर्म कहा जाता है। इस धर्म के लोग उन्हें श्याम नाम से जानते हैं। यही नहीं, स्वामी श्रील प्रभुपाद की संस्था इस्कॉन का संपूर्ण आधार भगवान श्री कृष्ण है। इस्कॉन से जुड़े हुए लोग हर समय कृष्ण नाम संकीर्तन करते रहते हैं। आज पूरी दुनिया में सनातन धर्म बढ़ रहा है और इसका श्रेय इस्कॉन संस्था को जाता है, क्योंकि इस्कॉन वालों ने सड़कों व गलियों में घूम घूम कर कृष्ण नाम संकीर्तन करके करोड़ों लोगों को सनातन धर्म से जोड़ा है। दुनिया के हर देश में लाखों लोग सनातन धर्म से जुड़ चुके हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस की कारागृह में हुआ था। कंस एक क्रूर शासक था, इसीलिए उससे बचाने के लिए श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी ने उन्हें गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दिया था। आखिर वह नंद बाबा का घर आज कहाँ है और किस अवस्था में है, यह जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। मित्रों, हमने यह सब कथाएं सुन रखी हैं कि बचपन के दिनों में भगवान श्री कृष्ण काफी शरारती थे। गोकुल की गलियों में वह खेलते थे, अपने ग्वाल सखाओं के साथ माखन चुरा कर खाते थे, गोपियों को तंग करते, उनकी मटकी तोड़ देते आदि ऐसे ही किस्से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। मित्रों, अध्यात्म की दृष्टि से मन को माखन की और मटकी को अहंकार की संज्ञा दी गई है, इसलिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण निर्मल मन को चुरा लेते हैं, या यूं कहें कि निर्मल मन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाता है और जिस मन पर अहंकार का आवरण होता है उस अहंकार रूपी मटकी को भगवान श्री कृष्ण तोड़ देते हैं। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कथाओं को बहुत महत्व दिया जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनेक मंदिर ब्रज मंडल में मौजूद है, जिनमें से मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर और वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के बचपन से जुड़ा एक मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, और यह है गोकुल का नंद भवन मंदिर, जिसे 84 खंभा मंदिर भी कहा जाता है। गोकुल का यह मंदिर देखने के लिए देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। नंद बाबा और माँ यशोदा के साथ भगवान श्री कृष्ण इसी घर में रहा करते थे। यहाँ कई मूर्तियाँ रखी हुई हैं, जिनके विषय में यह कहा जाता है कि वह जमीन से अपने आप निकली थी। यह मंदिर 84 खंभों पर टिका हुआ है, इसीलिए इसे 84 खंभा मंदिर कहा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि में 84 योनियाँ हैं, जिनसे होकर प्रत्येक जीव को गुजरना पड़ता है, परंतु यहाँ आकर 84 योनियों से मुक्ति मिल जाती है। इस मंदिर की दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी बचपन की कहानियों को चित्रित किया गया है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को चार धाम की यात्रा का सुख गोकुल में ही देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने विश्वकर्मा जी से कहा कि वो उनके घर में 84 खंभे लगा दे। विश्वकर्मा जी ने 84 खंभे लगाए, साथ ही उन्होंने कहा कि कलयुग में इन खंभों को कोई गिन नहीं पाएगा, इसीलिए मान्यता है कि यहाँ आकर आपको चार धाम यात्रा का फल मिलता है। साथ ही इस मंदिर के खंभों को यदि आप गिनेंगे तो गिन नहीं पाएंगे, कभी गिनती में 85 हो जाएंगे तो कभी 83 रह जाएंगे। इस मंदिर तक पहुँचने के लिए पहाड़ी पर थोड़ी चढ़ाई भी करनी पड़ती है। मित्रों, उत्तर भारत के प्राचीन मंदिरों की बात जब जब की जाती है तो मुगलों का कलंकित काला इतिहास भी सामने जरूर आता है। सन 1018 में महमूद गजनवी ने महावन पर आक्रमण किया और 84 खंभा मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद से यह मंदिर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सका। प्राचीन काल में यह मंदिर काफी भव्य हुआ करता था। वर्तमान में जो मंदिर है, इसका पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में भरतपुर के राजा रूप सिंह ने करवाया था। 84 खंभा मंदिर से पूर्व दिशा में कुछ ही दूरी पर यमुना जी के तट पर ब्रह्मांड घाट है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई थी और यशोदा माँ के डांटने पर उन्हें पूरा ब्रह्मांड अपने मुख में दिखलाया था। शानदार नक्काशीदार यह खंभे प्राचीन वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं। प्राचीन काल में इस तरह के खंभे इसीलिए बनाए जाते थे ताकि वह हजारों वर्ष तक ज्यों के त्यों बने रहें। यहाँ नंद बाबा का दरबार लगा रहता था। ठोस चट्टानों से बने यह खंभे लगभग अविनाशी हैं, जो अभी भी लाखों वर्षों तक चल सकते हैं।
इस मंदिर में पालने में भगवान श्री कृष्ण तथा नंद बाबा, माँ यशोदा व बलराम जी की खड़ी मूर्तियां हैं। मंदिर प्रांगण में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष है जिसे इच्छा पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष माना जाता है। इस असामान्य पीपल वृक्ष में वर्ष भर में 5 अलग अलग रंग के फूल लगते हैं। मित्रों, यदि आप गोकुल की यात्रा पर हैं तो एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आजकल कुछ दुष्ट प्रकृति वालों ने तीर्थों पर एक अलग तरह का व्यापार बना रखा है। यहाँ पर आपको कई गाइड व फर्जी पंडित आदि मिल जाएंगे जो ये दावा करेंगे कि वो आपको पूरा गोकुल ठीक से घुमा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वह केवल आपको एक इंसान से दूसरे इंसान तक लेकर जाएंगे और हर किसी को आपको पैसे देने होंगे। अगर आप पैसे नहीं देते तो झगड़ा करने की कोशिश भी करेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि ऐसे लोगों से बचकर रहें। गोकुल बहुत बड़ा शहर नहीं है, इसलिए आपको किसी गाइड की जरूरत नहीं है। आप पूरी सावधानी से जांच पड़ताल के बाद खुद ही घूम सकते हैं। ऐसी सतर्कता मथुरा व वृंदावन घूमने के समय भी बरतें। सावधान रहें, सतर्क रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ऐसी वीडियो और पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें दी साइंटिफिक हिंदू को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।